चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया स्थित प्रख्यात श्री कृष्ण धाम सावलिया जी मंदिर में शनिवार को भगवान सावलिया सेठ रजत रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान पूरा वातावरण सावलिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने पुष्प वर्षा से भगवान का स्वागत किया और भगवान के संग गुलाल उड़ाकर फाग खेला। मेले के दूसरे दिन शनिवार को राजभोग आरती के बाद भगवान के बाल विग्रह को चांदी के रथ पर विराजमान किया गया। इस दौरान श्री सावलिया सेठ की विशेष आरती की गई। परंपरागत वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और मंदिर परिसर में भगवान के साथ गुलाल उड़ाकर फाग खेला। बाद में भक्त रथ को खींचते हुए मंदिर से बाहर लाए। शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रथ यात्रा में राम दरबार, कृष्ण सुदामा मिलन झांकी, राधा कृष्ण झांकी, शिव परिवार झांकी, महाकाल झांकी, हनुमान जी की झांकी, शेरावाली माँ की झांकी आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान सावलिया सेठ की रथ यात्रा करीब 8 घंटे चली। शाम को यह रथ यात्रा सावलिया सरोवर घाट पहुंची, जहां भगवान को जल स्नान करवाकर विशेष पूजा की गई। मेले में लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शनिवार रात्रि में मेला ग्राउंड के मीरा रंगमंच और गोवर्धन रंगमंच पर भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। रविवार को मेले का समापन हो जाएगा। मेला ग्राउंड के मीरा रंगमंच स्टेज पर समापन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दिन दिव्यांगों को मोटराइज्ड स्कूटी वितरण और प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन होगा। मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भगवान के विग्रह पर पुष्प वर्षा की और गुलाल उड़ाकर अगवानी की। रथ यात्रा में सबसे आगे ध्वज लिए सेवक दो हाथियों पर पुजारी परिवार के सदस्य सवार थे। शोभा यात्रा में देश के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।